नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड ओके ऑफ द सेम एक्सरसाइज 3.6 ओके हियर इज द क्वेश्चन नंबर दिस ओके फाइंड द एलसीएम फॉर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड यानी कि हमें एलसीएम फाइंड करना है जो नीचे नंबर दी गई हैं यूजिंग डिवीजन मेथड यानी कि डिवीजन मेथड से ओके फर्स्टली हमने फाइंड किया था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बट जस्ट नाउ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम यूजिंग द डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे ओके तो देखिए इसका कैसे करते हैं ये नंबर्स हैं हमारी 9 18 एंड 21 ओके सो लाइक दिस ओके देखिए इसका एलसीएम फाइंड करना हो ये गिवन नंबर हमारे पास में यूजिंग डिवीजन मेथड तो देखिए इसीलिए क्या करूँगा 9 18 और 21 ये नंबर लिखी मैं प्रॉपर रिप्लेस पर उसके बाद लाइक दिस फिर पहले हम टू से डिवाइड करते हैं टू से दो डिवाइड करूँगा तो ये नहीं डिवाइड होगी तो इंडिविजुअल नंबर तो उसको एज इट लिखूँगा टू से इसको डिवाइड करूँगा 9 क्वेश्चन डाय करूँगा 2 9 18 ओके टू की टेबल में ये भी नहीं आता है इंडिविजुअल नंबर तो इसको एज इट लिख देंगे फिर देखिए अब ये और नंबर है टू से इंडिविजुअल है अब थ्री की बारी आई 3 3 जा फिर 3 3 जा 9 37 जा ओके देन आफ्टर फिर 3 से डिवाइड करेंगे थ्री से डिवाइड करेंगे बंद तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर भी इस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे बंद क्वेश्चन आएगा 7 इंडिविजुअल है इसको एज इट लिख दो देन 7 से डिवाइड कर दो ठीक अब देखिए रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ 9 18 एंड 21 का तो ये हमारी नंबर आई यहाँ से लेकर यहाँ था ओके तो 2 × 3 × 3 × 7 तो 2 3 जा 6 37 जा 21 इसी मल्टीप्लाई करेंगे 21 6 जा 126 दिस इज द एलसीएम ओके ऑफ द 9 18 एंड 21 नंबर्स ओके